तो भाई हर साल की तरह इस साल की दिवाली से ठीक 20-25 दिन पहले घर में सभी की मम्मियों ने ना साफ सफाई का डंका बजाना चालू कर दिया है कि ये साफ कर दो, इसमें हेल्प कर दो। और भाई आई थिंक भारत के हर एक घर में इस टाइम है ना साफ सफाई का माहौल बना हुआ होगा। ऐसे में भाई मुझे अगारो का ये कंप्रेस्ड एयर डस्टर दिखा बड़े काम का। बता दूं ऑलरेडी आपके भाई ने कोर्डलेस या वायर्ड अलग तरीके के वैक्यूम क्लीनर चैनल पर रिव्यू कर रखे हैं, लेकिन इस वाले की बात थोड़ी डिफरेंट है। इसको हम मल्टीपल तरीके से यूज में ले सकते हैं। चाहो तो इसको एज अ हेयर ड्रायर काम में ले लो भाई, हो जाएगा। चाहो तो एज अ एयर इन्फ्लेटर इसको काम में ले लो, बैलून्स में हवा भरनी है, घर में बर्थडे पार्टी है, किटी पार्टीज है, काम में आएगा। एयर पिलो है, एयर मैट्रेस है, काम में आएगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में हमें अगारो का कंप्रेस्ड एयर डस्टर देखने को मिल जाता है, जिसका मॉडल नंबर है AD1719। बॉक्स के चारों तरफ कुछ हाइलाइट्स मेंशन कर रखी हैं। बिना टाइम वेस्ट करे भाई डब्बा खोल लेते हैं। तो भाई डब्बा खोलते साथ ही काफी सारा माल मसाला यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले कि यूजर मैनुअल दिया गया है, फेंको इसको, वीडियो में आपका भाई बता ही देगा। और एक यहाँ पर वारंटी कार्ड दिया गया है, इसको भी साइड में रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक ही लॉन्ग राउंड नोजल दी गई है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को अगर हमें टारगेट में लेना है तो भाई ये काम में आएगा। एक यहाँ पर भाई फ्लैट ब्रश के साथ में नोजल दी गई है, तो ये चीज अच्छी लगी, नोजल जो है ना ब्रश के साथ में दे दी, जो कि इस तरीके से एडजस्टेबल है, तो क्योंकि ब्रश है इसमें तो क्लीनिंग थोड़ी और अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हमें फाइनली भाई हमारी जो मेन यूनिट है ना वो देखने को मिल जाती है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको साइड में रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक और हमें पैकेट देखने को मिलता है, और उस पैकेट के अंदर दो वॉशेबल स्पंजी फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। काफी ज्यादा स्पंज है, सॉफ्ट है, क्योंकि ये वॉशेबल है, और एक फिल्टर ऑलरेडी हमारे एयर डस्टर में लगा हुआ आता है, तो काफी लंबी बातचीत रहने वाली है। इसके अलावा एक यहाँ पर पैकेट के अंदर ये हेड देखने को मिल जाता है, जो कि एयर डस्टर के आगे लग जाएगा कुछ इस तरीके से घुमा करके। और यहाँ पर 3 डिफरेंट हमें नोजल से देखने को मिलती है, इन्फ्लेटेबल नोजल बोलूंगा इसको मैं, अलग अलग साइजेस की हैं, तो ये काम में आएगी बहुत सारी चीजों के, आगे बातचीत करते हैं। तो चलो देख सकते हो फाइनली भाई ये है अगारो का कंप्रेस्ड एयर डस्टर AD1719। इसको हाथ में पकड़ते ना यार बड़ी कमाल की फील आती है, जैसे AK-47 पकड़ रखी हो। एक तो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से ना ये पोर्टेबल बन जाता है, और ऊपर से इन्होंने ना 10 फीट की लेंथ दी है इसकी वायर की, जो कि मुझे लगता है बहुत सफिशिएंट है यार। अगर एक रूम की हम मान के चले 10x10 के कमरे हैं ना, तो एक रूम आराम से कवर कर देगा। और भाई उससे ऊपर की बातचीत करनी है तो एक्सटेंशन बोर्ड साथ में लेके घूमो। और भाई बिल्ड क्वालिटी भी है ना इसकी मुझे तगड़ी लग रही है, मतलब हल्का मसाला नहीं लग रहा, और ऑब्वियस है भाई उस हिसाब से इसका जो प्राइस है ना कंपनी ने रखा हुआ है, लगभग 2500 रुपये के आसपास, 2000 रुपये के आसपास है ना, ये आपको अमेजन पर मिल जाएगा। इसका बेस्ट बाय लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वीडियो देखने के बाद ना चेक जरूर से कर लेना अगर आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा ना अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पे इन्होंने जो ब्लू एसेंट है ना उसका यूज किया गया है, ब्लू कलर की भी टचिंग दे दी ब्लैक के साथ में, और यहाँ पर अगारो की ब्रांडिंग दी गई है। और इसकी वायर के इस वाले पार्ट में ना मुझे एक चीज अच्छी लगी, जो जॉइंट है ना यहाँ पर काफी तगड़ा जुगाड़ कर रखा है, जिसकी वजह से इस तरीके से ना वायर को अगर आप हिलाते हो तो भाई टूटेगी नहीं, कटेगी नहीं, जॉइंट सी यूजुअली कट जाती है। बता दूं यार ये 500 वाट की पावरफुल मोटर के साथ में आता है, जो कि 100% कॉपर की है, और इसमें 2 स्पीड की सेटिंग्स दी गई हैं, जो कि हमें स्विच के थ्रू है ना इजीली स्विच कर सकते हैं डिफरेंट स्पीड सेटिंग्स पर। लो सेटिंग्स पर हमें इसमें 30,000 RPM की है ना स्पीड देखने को मिल जाती है, और हाई सेटिंग्स में हमें 48,000 RPM की है ना ताकत देखने को मिल जाती है। तो देख सकते हो टेबल पे मैं मतलब बीच बीच में दिखा रहा हूँ आपको कुछ डेमोज, कितनी पावरफुल मोटर है भाई, जो इसके आगे आता है ना वो उड़ जाता है। मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा अगर आप PC के कंपोनेंट्स की या कैबिनेट के अंदर के पार्ट्स की क्लीनिंग कर रहे हैं ना, जो कि वैक्यूम क्लीनर से ना ही मैं रिकमेंड करूंगा ना ही आपको करनी चाहिए, उससे डैमेज होने के चांस रहते हैं कुछ कंपोनेंट्स, तो इस तरीके का डस्टर काम में आता है बहुत ज्यादा वहां पर। लेकिन इसको लो सेटिंग्स पर यूज करना आई थिंक हाई सेटिंग्स पर यार थोड़ा रिस्की हो जाएगा। हाई सेटिंग्स में अगर आपको मान लो बाइक की क्लीनिंग करनी है, गाड़ी की क्लीनिंग करनी है, ऊपर से ड्राई क्लीनिंग करनी है, या कीबोर्ड वगैरह की क्लीनिंग करनी है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो यार। अमेजन पे है ना आपको बहुत सारे ब्लोअर इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे साफ सफाई के लिए, लेकिन इस वाले की यूनिक बात मुझे ये लगी, इसको मल्टीपल तरीके से यूज में ले सकते हैं। इसमें ना काफी एसेसरीज इन्होंने दी है, जो कि अलग अलग तरीके के चीजों को है ना क्लीन करने के काम में आता है। इसके अलावा 1,800 रुपए के रेंज में जो आपको एयर डस्टर देखने को मिलेंगे, उसमें इस तरीके की ना तो एसेसरीज देखने को मिलेगी, और ना ही ब्लोअर की इतनी ताकत देखने को मिलेगी, और ना ही उनकी इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो बस यार यही था मेरा फाइनल रिव्यू अगारो के इस एयर डस्टर को लेकर के। मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड कर रहा हूँ, आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। और हाँ भाई
10,000 सब्सक्राइबर, आपके भाई की रातों की नींद, प्लीज यार करवा दो, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रखी है, करवा नहीं रहे यार आप लोग, बताओ कहाँ कमी रह गई, फटाफट से करवाओ अभी, ठोक दो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।